Today, we will discuss proteins. We will introduce the proteins, They're briefly discuss their biological importance, their biological functions, and their different types of proteins present in the cell or extracellular. Proteins mediate, mediate virtually every process that takes place in the cell, exhibiting an almost endless diversity of functions. डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है इसी वजह से उनका जो है डाइवर्सिफाइड किस्म का फंक्शन अवेलेबल है टू एक्सप्लोर द मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोकेमिस्ट ऑलमोस्ट इनएविटेबली स्टडीज वन और मोर प्रोटीन्स जब भी कोई बायोकेमिस्ट किसी भी मॉलिकुलर लेवल पे एनी स्टडी और एनी रिसर्च इज कंड बाई कंडक्टेड बाई अ बायो केमिस्ट ही विल एनकाउंटर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन कंडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टडी और दैट पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंड बायोलॉजिकल मैक्रो मालिक्यूल्स अक्रिंग इन सेल्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ सेल्स इट मीन्स के जिस तरह हमने कहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं डिफरेंट डिवर्सिफाइड हैं और उनके एक सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर भी डिफरेंट हो सकती हैं हंड्रेड और थाउजेंड टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एक सेल के अंदर भी हो सकती हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में भी हो सकती हैं फॉर एग्जाम्पल इन द राइबोसोम्स इन दर्गनज डिफरेंट ऑर्गनज ऑफ द सेल्स लाइक राइबोसोम्स माइटोकॉन्डिया हर एक के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स ऑल्सो अकर इन ग्रेट वेराइटी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स मे बी फाउंड इन अ सिंगल सेल्स ग्रेट डाइवर्सिफाइड इसीलिए है कि ग्रेट वैरायटी में great diversity है ग्रेट डाइवर्सिटी है ग्रेट वैरायटी है देअ दे हैव अ डिफरेंट और डाइवर्सिफाइड फंक्शंस मोर ओवर प्रोटीन एग्जिबिट एनॉर्मस डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पाथवे इंफॉर्मेशन पाथवे क्या है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है रेप्लिकेशन में प्रोटीन आर यूज एज ए रेप्लीकेशन फैक्टर्स सिमिलरली रेप्लीकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं दीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स डी एन ए के अंदर भी इंफॉर्मेशन पासवे के डी एन ए के अंदर भी प्रोटीन्स इंक्लूडेड हैं विच आर नोन एज हिस्टोन्स इसी तरह फाइनल प्रोडक्ट जो इंफॉर्मेशन पाथवे की है दैट इज ऑल्सो ट्रांसलेशन एंड इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन फ्राम अ टिपिकल टाइप ऑफ जीन ऑफ ए टिपिकल टाइप ऑफ प्रोटीन Examples another example is the signal transduction K Jape a particular signal is attach hota hai on the cell membrane and this signal is in the form of protein and the receptor on which this is acting is also a protein. This is a diagrammatic presentation of proteins, brief structure of a protein of a cell. This is the cell membrane. Its integral proteins and lipid bilayer. Secondly, this is a receptor for glucagon. This receptor is also a protein. Secondly, its action is through a G proteins. These are alpha, beta, and gamma. So this is another type of protein having three different complexes. These are activated.

Small, smallest type of a molecular structure, and in the type of a receptor, which different types of proteins are present in this cell cell structure. Biochemical importance, biochemical importance, biochemical catalysts known as enzymes are proteins. The enzymes these are also proteins. These are also translated from a particular gene on a particular site. Immunoglobulins. What are these? These are they, that serve as the first line of defense against bacteria and viruses and other foreign agents. These immunoglobulins are again proteins. In we will discuss in detail variable and domain or constant domain. Hoti hai. सो दीज इम्यूनोग्लोबलिनस आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स एंड हैविंग डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन ए पर्टिकुलर मालिक्यूल ऑफ इम्यूनोगोग्लोबलिन क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस हैं जिसरा वायरस है डिफरेंट वायरसेस के लिए डिफरेंट प्रोटीन्स जो है ना वो एक्ट करेंगीवरल हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स हारमोन्स क्या होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन अवे फ्राम दाइड ऑफ देयर एक्शन लाइक इंसुलिन के प्रोड्यूस पेंक्रियाज में हो रही है और पूरी बॉडी में डिफरेंट उसके रिसेप्टर्स पड़ रहे हैं जिसपे काम कर रही है सिमिलरली स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रोवाइड मकैनिकल स्पोर्ट जिसका कोलेजन है अलास्टन है अलास्टिन जो है वो हमारी कार्टलेज के अंदर है कोलिजन ग्राउंड सब्सटेंस में है इंट्रासेलुलर एक्ट मटीरियल में है कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन्स लाइक माइक्रोवेलाई एंड माओफाइब्रिल्स और मसल फाइबर्स जिसमें एक्टिन इन मायोसिन दीज आर ऑल्सो प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम करती हैं सम प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म जैसे हमने पहले देखा है कि साइटोप्लाज्म में होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होती हैं रिसेप्टर्स कुछ रिसेप्टर्स न्यूक्लियस पे लगे हैं कुछ सेल मैमब्रेन के ऊपर लगे हैं दीज आर ऑल्सो प्रोटीन सर्टन अदर प्रोटीन्स इन द सेल्स एक्ट एज अम्ब्रेन चैनल एंड ट्रांसपोर्टर जैसे पोर्टर एंटीपोर्ट जिसमें से वो भी प्रोटीन्स हैं और चैनल्स हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट इन टू दी एंड आउट ऑफ द सेल इज पॉसिबल एन टाइप ऑफ प्रोटीन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैरी आउट फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक सबस्टेंसिस अक्रॉस मेम्ब्रेन एंड इन दॉडी फ्लूड्स जिस तरह ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन उसमें हीम पार्टिकल एंड ग्लोबेन इज ऑल्सो अ प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन्स लाइक सिरुलोप्लाजमिन ट्रांसपोर्ट है लेकिन फेरेटिन इज आ स्टोरेज प्रोटीन विच स्टोर द आयरन अंडर सर्टन कंडीशन प्रोटीन्स कैन बी कैटलाइज टू प्रोवाइड एनर्जी कीटोजेनिक स्टारवेन में कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमानो एसिड हैं जिससे प्रोटीन्स बनी हुई हैं देर प्रोवाइड द एनर्जी प्रोटीन्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जिसका एलब्यूमेन ह्यूमन प्लाजमा में प्रेजेंट है Iska apna osmotic pressure hai, and this is called the plasma oncotic pressure. Hence proteins to summarize these functions, the proteins are the most versatile macromolecules in living systems and several crucial functions essentially in biological process as we have discussed in the previous slides that they are the catalyst transporter storage molecules such as oxygen. They provide mechanical support and immune protection. They also generate movement and they control growth and differentiation. Different growth factors, which cell ko grow, karte hai, they are also made up of proteins.